आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मंडल स्तरीय साइंस लैंग्वेज ब्रेल रीडिंग एवं राइटिंग विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंडलायुक्त ने किया उद्घाटन। कहा, विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को संवेदना के साथ शिक्षित कर बनाए स्वावलंबी। होली त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों पर चला प्रशासन का चाबुक। सिटी मजिस्ट्रेट ने मिठाई और मॉल पर की छापेमारी। जांच के लिए लिया नमूना। कहा, मिलावटखोरों पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक। होली और सबे बारात पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा, त्योहारों में खलल डालने वालों की खैर नहीं। नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन 5वें सेक्टर के 5वें तकनीक सत्र में नाथ पंथ एवं गोरक्षा विषय पर विद्वानों ने रखे अपने अपने विचार। कहा, नाथ संप्रदाय में गोरक्षा का है विशेष महत्व। जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ COVID-19 राज्य वित्त आयोग की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले आशा, आंगनवाड़ी व समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। SSP DIG की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में संपन्न हुआ पुलिस सैनिक सम्मेलन। पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,544। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 49 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन घटक के स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली गई जन जागरूकता रैली। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर दिया गया जोर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा प्रताप फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ चंद का हुआ आकस्मिक निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की अपनी गहरी संवेदना। और अमर शहीद भगत सिंह की शहादत की पूर्व संध्या पर हम सब की पार्टी ने बेतिहाता स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष से निकाला जन जागरण यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यात्रा के जरिए शहीदों को किया जाएगा नमन।